नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज्य भारत और मैं सौरभ मिश्रा। विषय बहुत गंभीर है, मन बहुत परेशान है, चेहरे पर एक दर्द है। एक दिन 5 रेप केस जो हमारे सामने आए हैं, ऐसे तमाम केस जो हमारे सामने आ भी नहीं पाते हैं। इंसानियत की सारी हदें पार करने वाली ये तरिंदगी वाली खबरें, लोग शायद निर्भया से अभी ऊपर उठ भी नहीं पाए थे और हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने निर्भया की यादों को एक बार फिर से ताजा कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद के तेलंगाना में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की। डॉक्टर प्रियंका पेशे से पशु चिकित्सक थी, पर उन्हें क्या मालूम था कि इंसान के रूप में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो उनके साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार करेंगे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने डॉक्टर प्रियंका के साथ सबसे पहले सामूहिक रूप से बलात्कार किया और उसके बाद उनके शरीर को डीजल और पेट्रोल डालकर जला दिया। रोज की तरह आज भी प्रियंका टोल प्लाजा से अपना स्कूटर उठाकर घर जाने के लिए आई। उन्होंने देखा कि उनके स्कूटर का एक पहिया पंचर है। थोड़ी ही दूर पर खड़े आए एक आरोपी ने उनकी मदद की बात कही। प्रियंका पहले थोड़ा घबरा गई, रात काफी हो चुकी थी, शायद प्रियंका ने मदद के लिए हाँ भी कर दी। फिर क्या था, एक आरोपी जिसका नाम शिवा था, वह प्रियंका के स्कूटर को बनवाने के लिए कहीं लेकर चला जाता है। उसके 3 साथी प्रियंका को पास के ही एक खाली प्लॉट में घसीट कर ले जाते हैं और जहां पर उसके साथ दुराचार करते हैं। इतना ही नहीं, दुराचार करने के बाद वो रुकते नहीं है, प्रियंका के शरीर को अपने ट्रक में भरते हैं, थोड़ी दूर ले जाते हैं, डीजल और पेट्रोल डालकर प्रियंका के शरीर को जला दिया जाता है। बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर भी उसी जगह से है जहां पर प्रियंका रेड्डी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। दोनों केस एक जैसे इसलिए क्योंकि दोनों ही केस में दोनों ही लड़कियों को जला दिया जाता है। बात करते हैं तीसरे खबर की। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है जहां पर एक 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची को उसकी चाची चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ देती है। वह बच्ची स्टेशन के बाहर खड़े एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाती है। शायद बातों ही बातों में उस बच्ची ने उस ऑटो रिक्शा चालक को यह बता दिया कि वो इस समय पर अकेली है। बस इतनी सी ही बात थी, ऑटो चालक ने उस बच्ची को अगवा कर लिया। अगवा करके वो उसे अपने किराए के घर में ले गया जहां पर उसने उसे कैद कर लिया, कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया। हमारी अगली खबर बिहार के रांची से है। जी हाँ, रांची के वीआईपी जोन के पास एक लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई कर रही एक छात्रा को 12 लोग बंदूक की नोक पर अगवा कर लेते हैं और उसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। जी हाँ, ये सही सुन रहे हैं आप, ये खबर है रांची के वीआईपी इलाके से जहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री का सरकारी आवास भी है। हमारी 5वीं खबर कोलकाता से है जहां पर 2 नाबालिग बच्चों को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं और उन दोनों को आदि गंगा घाट पर ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। अब आखिर कौन है जिम्मेदार इन सबका, आप, हम या ये समाज? शायद गलती इन दरिंदों की परवरिश का है, शायद इनके माँ बाप इन्हें नारी जाति का सम्मान ना सिखा सके, शायद गलती इनके तुच्छ और संकीर्ण मानसिकता का जिसकी वजह से इन दरिंदों ने ऐसे कार्य किए। साथ ही साथ शर्म आती है ऐसे लोगों से जो इन दरिंदों से जरा सी भी सहानुभूति रखते हैं। सहानुभूति रखने वाले जो कोर्ट तक इनके लिए दया याचिका लेकर पहुंच जाते हैं। हमारे समाज में जरूरत है तो एक ऐसे सख्त कानून की जो इन दरिंदों का गुनाह साबित होते ही इन्हें फांसी पर लटका सके। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।